अनुपमा, तुम्हारा जो भी डिसीजन है वो प्रिंसिपल मैम को बता दो, एवरीबॉडी इज वेटिंग। जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ के लेना, अपनी जिद और अकड़ को साइड में रखें, क्योंकि तुम्हारे इस डिसीजन पे हमारी बाकी का फ्यूचर डिपेंड करता है। मम्मी, आप वही करिएगा जो आपका दिल कह रहा है। और आप ही तो कहती है ना, गलत रास्ता हमेशा आसान होता है और सही रास्ता हमेशा मुश्किल, लेकिन सही तो सही रास्ता ही होता है ना। मैडम, हर माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं इस विश्वास के साथ कि वो वहां सुरक्षित है। उनकी आंखों का तारा भले ही उनकी आंखों से दूर है, पर सुरक्षित तो है। पा, बेटी की पढ़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बेटी की जान। जिसे सजा नहीं मिलती उसे सीख भी नहीं मिलती। इसलिए मैडम, मैं ना तो अपनी लापरवाही छुपाऊंगी और ना ही स्कूल प्रशासन की गलती। निशा, आई अंडरस्टैंड, आप पर अभी उस हादसे का बहुत गहरा असर है। मैं सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अच्छी तरह से सोच समझ कर अपना फाइनल डिसीजन मुझे कल सुबह तक बता दीजिए। चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। मैडम, मैं गलत नहीं हूं और आप ये जानती हैं। मैं सिस्टम को भी जानती हूं। वाओ, आज इतने दिनों बाद मैंने कुछ गुनगुनाया है। ऑफ कोर्स, आज इतने दिनों बाद मैंने अपना काम एंजॉय किया है। आई डिड माई वर्क माई वे विदाउट एनी प्रेशर, और वो भी किंजल की वजह से। इज अनुपमा ओके? शी इज ओके, बस थोड़े हाथ जल गए। थैंक गॉड कोई अनहोनी नहीं हुई। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम वहां क्यों गए, इस बात का इशू मत बनाना प्लीज। पाकी ने बुलाया था मुझे। ठीक है, पानी। थैंक्स। तुम्हारा इंटरव्यू मिस हो गया होगा ना? कोई बात नहीं, तुम कल के इंटरव्यू पे कॉन्सेंट्रेट करो। कैसे करूं कॉन्सेंट्रेट काव्या, कैसे करूं? ये अनुपमा है ना मेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए। अब क्या हुआ अभी? महान बनने का शौक चढ़ा मैडम को, उन्हें ना तो अपनी नौकरी की फिक्र है और ना ही पाकी की पढ़ाई की। And I'm telling you, उसकी जिद की कीमत सिर्फ उसे नहीं, पूरी फैमिली को चुकानी पड़ेगी। साइन कर दे बहू। महान बनने की जरूरत नहीं है, साइन करो एंड एंड दिस नॉनसेंस। प्लीज मिसेस शाह, साइन कर दीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और स्कूल के लिए भी। प्लीज मम्मी, वरना वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। नो मैम, प्लीज साइन मत करना। उनके मिस्टेक की वजह से हम सब जल जाते। उन्हें पर मिलने ही चाहिए। मेरी बेटी आपको अपना आइडियल मानती है मिसेस शाह। अगर आप इस सिस्टम के सामने घुटने टेक देंगी तो मेरी बच्ची का दिल टूट जाएगा। मत कीजिए ऐसा मिसेस शाह, प्लीज मत कीजिए।
सॉरी कान्हा जी, आज तो पूजा भी नहीं कर पाई, बोलो। कोई बात नहीं मम्मी, मैं कर दूंगी, आप बस बताती जाइए कि कैसे क्या करना है। देखने 25 साल में पहली बार मैं कान्हा जी के लिए भोग भी नहीं बना पाऊंगी। इट्स ओके मम्मी, कान्हा जी भी जानते हैं कि आपकी मजबूरी है। सुन मैं बताती जाती हूँ, तू भोग बना देगी। हाँ हाँ ठीक, चल। देख क्या रही है, चूल्हे पे बैठ के ताने मारने से सास रसोड़े का काम भूल नहीं जाती है। बा आप मुझे बुला लेती, मेरी वजह से आपको इतना सारा काम करना पड़ रहा है। तेरी वजह से नहीं, तेरे लिए काम कर रही हूँ। नहीं तो तू ये पट्टी वाले हाथों से काम करने लगेगी। तू जैसे भी है काम चोर नहीं है, और जिसे काम करने की आदत होती है ना, वो जब काम नहीं कर पाते तो कितनी लाचारी महसूस करते, वो मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। जब मेरे घुटनों का दर्द बढ़ जाता है तो एक गिलास पानी के लिए मुझे दूसरों को कहना पड़ता है, तब जाके पानी मिलता है। लोग बुढ़ापे से नहीं बीमारी से हार जाते हैं। नहीं तो काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जा तू जाके आराम कर, मेरा हाथ बटा लेके किंजल है ना, झिलमिल भी आ जाएगी। बा आप नीम भी है और शहद भी, दोनों सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ले खा। काश मैं कुछ कर पाती। चाहे तो कर सकती, तू अभी भी कर सकती है बहू, और बर्बादी होने से रोक सकती है। जा इसे बाहर लेकर जा, जूस पिला, जा आराम। नहीं मैं यहाँ पर थोड़ा काम कर सकती हूँ। मम्मी आप चलिए ना। अरे कुछ नहीं किंजल। सत्यानाश तू मेरा काम बढ़ा रही है। मैं अभी साफ कर देती हूँ। मैं कर लूंगी, तू जा बाहर जाके आराम कर, किंजल ये ले जा, लेकर जा और जूस पिला। नहीं बा मैं जा, मैं कर लूंगी, जाओ मेरा काम मत बढ़ाओ। किंजल बेटा मैं ठीक हूँ। मम्मी आप बस बैठिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हुआ बेटा? वो बापूजी, मम्मी किचन में बाकी हेल्प नहीं कर पा रही थी इसलिए थोड़ी अपसेट है। इट्स ओके रॉकस्टार, एक दो दिन की तो बात है। मम्मी जूस। मैं पिलाता हूँ। नहीं समर, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मम्मी जीजाजी, ये सफेद पट्टी ने जो काम करके दिखाया ना, वो आज तक आप और मैं नहीं कर पाए। क्या दीदी को होम मिनिस्टर से बावर्ची बना दिया। अभी तो रख दे हम, बस गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। I'm so hungry. You. Oh, पोहा? ये मैंने नहीं बनाया। हाँ मैंने बनाया है। So yuck. Sweetie. It's okay, मम्मी आपके जितना अच्छा नहीं बना होगा। ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा क्या है इसमें? लगता है काबे का कॉर्नफ्लेक्स खा करके तुम बोहे का टेस्ट भूल गई हो। टेस्टी तो नहीं है इसमें भाई। तू खा, इन लोगों का तो चलता रहेगा। पर बाप स्वीटी टेस्ट ही नहीं, एफर्ट्स भी देखने चाहिए। अब जब भाभी ट्राई कर रही है तो उनको अप्रिशिएट करना सीखना। वाओ विंटर, तू भी किंजू किंजू करने लगा। मम्मी और तोशु भाई तो किंजल भक्त थे, तूने भी किंजल फैन क्लब ज्वाइन कर लिया है ना? स्वीटी ये क्या तरीका है भाई से बात करने का? और तुझे समझाया था ने, किंजल तेरी भाभी है। पर इस घर में भाभी सिर्फ भाभी नहीं, सब कुछ है, और बेटी कुछ भी नहीं। मम्मी मैं यहाँ आपके लिए आई थी, बट अब लगता है इस घर में मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। स्वीटी, स्वीटी कहाँ जा रही है? खाना छोड़ के नहीं जाते हैं स्वीटी। स्वीटी
देखा, तूने किंजल की तरफदारी की और पाखी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सोच, पाखी की जगह तू स्कूल के बच्चों के बारे में सोचेगी तो वो बर्दाश्त कर पाएगी? अभी तो वो तुझसे गुस्सा है। जब उसे पता चलेगा कि तेरी वजह से उसको स्कूल से निकाला गया ना, तो वो तुझसे नफरत करने लगेगी। अरे उसे चैन से खाने तो दो। मैं कहा इसके मुंह से निवाला छीन रही हूँ, समझा रही हूँ। समझ जाए तो ठीक है, अगर गुस्से में पाखी ने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया ना, तो इसके जिम्मेदार तू रहेगी। हेलो जी, जी जी जी, ठीक है मैं बात करता हूँ। No, no, it's okay. I understand. Let me talk first, na. I'll get back to you on this as soon as possible, yeah? Ji. Abhi baat karni hogi. मैंने कहा ना आप लोग अंदर नहीं जा सकते। प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन ओवर। आप लोग प्लीज जाइए। हमें मिस उमा शाह से सवाल पूछने, बताइए कहाँ है वो? बुलाइए उन्हें। हाँ बुलाइए उन्हें, हमें उनसे बात करनी है। वो रही अनुपमा शाह। क्या हो बेटा? अनुपमा जी, टाउन वैली स्कूल में जो हादसा हुआ उसके बारे में आपसे बात करनी है। हमें पता चला है जब वो आग लगी उस वक्त आप मौजूद थी, बताइए अनुपमा जी। और आप ही ने सब बच्चों को आग से बचाया है, प्लीज बताइए मैम। इस हादसे के बारे में बताइए, क्या हुआ था? से हुआ है हादसा, इसकी वजह स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है या ये किसी की साजिश है? आप उस हादसे के बारे में क्या कहना चाहती है? इनको तो मैं देखती हूँ। आप प्लीज आप बीच में मत बोलिए, ये लोग हर बात को बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं। आप चुप क्यों हैं अनुपमा जी, बताइए? क्या ये सब आप स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की गलती छुपाने के लिए कर रही हैं? क्या आप पर किसी का दबाव डाला जा रहा है? बोलिए अनुपमा जी, बताइए। अरे आप लोग मेरी मम्मी को परेशान क्यों कर रहे हैं? प्लीज जवाब दीजिए मैम, इतने सारे कैमरा देख के घबरा गई है। बोलिए अनुपमा जी, आप उस हादसे के बारे में क्या कहना चाहती है? मैम वो इनफ। हर न्यूज को सेंसेशनल बनाने की जरूरत नहीं है, मगर सवाल पूछना हमारा हक है, जवाब देना हमारी ड्यूटी नहीं है। अनुपमा, मैं या मेरी फैमिली में से कोई भी इंसान आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं देगा। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप स्कूल मैनेजमेंट से जाके पूछिए। उस हादसे की छानबीन चल रही और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक नो कॉमेंट प्लीज। पर आप कौन है? आप इनके लॉयर है? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ऑल राइट, आप लोग प्लीज यहां से जाइए, प्लीज जाइए यहां से। शी इज नॉट वेल, शी नीड्स रेस्ट। प्लीज जाइए यहां से। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इट्स अर्जेंट। क्या हुआ? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है तुझे? अरे बता ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ। इस पे साइन कर दो, और साइन नहीं कर सकती तो अंगूठा लगा दो। क्या है ये? प्रिंसिपल ने दिया है, जो बातें उन्होंने कल यहां पे आके कही थी वही लिखा है इसमें। स्कूल में जो भी हादसा हुआ उसका इल्जाम अपने सर पे लो एंड जस्ट फिनिश दिस नॉनसेंस। मैं भी इसे कल से यही समझा रही हूं। पर मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, ना तुमसे मैं कुछ पूछने आया हूं और ना ही कोई डिस्कशन करने आया हूं। जस्ट साइन दिस डैम पेपर एंड फिनिश दिस नॉनसेंस वंस एंड फॉर ऑल। ये लो। सोच क्या रही हो तुम? मुझे सेल्फिश कहती थी? लुक एट योर सेल्फ। भले ही पाकी का साल बर्बाद हो जाए लेकिन तुम्हारी ईगो पे आंच नहीं आनी चाहिए। वनराज सही कह रहा है, अपना नहीं हमारा नहीं, अपने बेटी के बारे में तो सोच। तुम लोग क्यों उसे मजबूर कर रहे हो? उसे जो फैसला लेना होगा वो लेगी। ये फैसला नहीं बेवकूफी होगी बापूजी। अगर अनुपमा ने स्कूल मैनेजमेंट की और प्रिंसिपल की बात नहीं मानी तो वो लोग उसे स्कूल से निकाल देंगे और पाखी का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। What?
मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा? अगर तुम्हारी माँ ने ये पेपर साइन नहीं किया तो? मम्मी आप सोच क्या रहे हो? जस्ट साइन, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। स्वीटी मेरी बात तो सुनो। नो मम्मी, आप मेरी बात सुनो। अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा, मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल जाएंगे, मुझे कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा। मम्मी आप तो मम्मी है ना, व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी? पाखी बेटा, मम्मी की बात भी तो सुन। पाखी गलत नहीं कह रही है बापूजी, प्रिंसिपल की बात ना मान के अनुपमा बहुत बड़ी गलती कर रही है। एग्जैक्टली, मम्मी आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं? स्वीटी, इस वक्त सेल्फिश तू हो रही है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। क्यों ना सोचूं? अगर मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा ना। मम्मी आपने फैमिली तो खराब कर ही दी, अब मेरी लाइफ खराब मत कीजिए। मम्मी इस पर साइन करो अभी के अभी, प्लीज। मम्मी इस पर साइन करो, मेरी लाइफ खराब मत करो प्लीज। मम्मी जस्ट साइन, मम्मी प्लीज। स्वीटी, तू भी उस वक्त वहां थी ना, तूने देखा था ना कि बच्चों की क्या हालत थी। अगवा ना करे, उन बच्चों में अगर तू भी होती तभी क्या तू मुझे साइन करने के लिए कहती? जो उन बच्चों के साथ हुआ वो तेरे साथ या किसी और बच्चे के साथ ना हो, इसलिए मैं लड़ना चाहती हूँ। बेटा, मैं तेरी जान के बारे में, सारे बच्चों की जान के बारे में सोच रही हूँ, और तुझे अपने साल की पड़ी है। एक साल पूरी जिंदगी से बहुत छोटा होता है स्वीटी। पर ऐसा जरूरी तो नहीं ना मम्मी, जो हो चुका है वो दोबारा होगा। स्कूल वाले आगे से ध्यान रखेंगे। Enough discussion already, आप इस पे साइन करो बस। स्वीटी मेरी बात तो सुन। पापा आप ये फॉर्म प्रिंसिपल मैम को देकर कहना कि मम्मी सारे ब्लेम अपने ऊपर लेंगी। शी इज अ मदर, और एक मदर अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। शी हैज टू, इट्स अ ड्यूटी। शुक्र है भगवान का, ये नाटक अभी खत्म तो हुआ। यू आर राइट। ये लीजिए पापा, give this to principal ma'am. Sorry sweetie. Mummy, आप अब भी सच का साथ दे रही हैं, मेरा नहीं। मैं सच का साथ दे रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। जो माँ दूसरों के बच्चों के साथ गलत नहीं होने दे रही, वो अपनी बेटी के साथ गलत कैसे होने देगी? काव्या ने समर का पूरा भविष्य खराब करने की कोशिश की, पर कर पाई? नहीं ने, क्योंकि बीच में तेरी माँ खड़ी थी। वैसे ही तेरे और स्कूल वालों के बीच में मैं खड़ी रहूंगी ने, और जाऊंगी, पर तेरा भविष्य खराब नहीं होने दूंगी। हाँ बेटा, और आप तो उस वक्त वहां थे ना, आपने वो आग देखी थी। अगर उस आग में उन बच्चों के साथ साथ स्वीटी भी फंसी होती तब आप क्या करते? स्वीटी के लिए लड़ते या मुझसे कहते कि अनुपमा लड़ाई रोक दो? जो स्कूल अपनी गलती मानने के बजाय, सुधारने के बजाय छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या ये गलती फिर से नहीं करेगा? करेगा। स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं, बच्चे का दूसरा घर होता है, और घर में की गई गलती छुपाई नहीं जाती, सही की जाती है। तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ अपनी ईगो के लिए लड़ रही हो। अपने स्कूल में शिक्षा और सुरक्षा हर बच्चे का अधिकार होता है, और ये लड़ाई मैं अपने अहंकार के लिए नहीं, उस अधिकार के लिए लड़ रही हूँ।
मैं हर उस बच्चे के लिए लड़ रही हूँ जिसकी जान उस आग में जा सकती थी और हर उस बच्चे के लिए जिसकी जान इस हादसे में जा सकती है। स्कूल ने एक छोटी सी लापरवाही की है, उसे इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आज की छोटी सी लापरवाही कल का बड़ा हादसा बन सकती है। बात मेरे जिद की नहीं है, बात सही और गलत की है, और जो सही है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।